जो इस युवा मुद्रा रैली में आए हैं, मैं आपका प्रतिकार इस्तेमाल करता हूँ, आपको जय भीम लाल सलाम पेश करना चाहता हूँ। साथियों, अभी हमारे बहुत सारे युवा साथी ने अलग अलग बात कही, थोड़े जोश में भी है, स्वाभाविक है, युवाओं की रैली है तो जोश होगा उसमें, और कई बार कुछ ऐसी बात कह दी गई है जिससे वास्तविक रूप में हमारा कोई लेना देना नहीं है। जैसे सच में हम लोग किसी से नफरत नहीं करते, सच में हम हिंसा नहीं चाहते, सच में हम एक शांतिपूर्ण समाज चाहते हैं, और इस मंच से हम यह बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, क्योंकि यह बात हम लोगों को कहा जाता है कि इस देश के अंदर जो इंशाअल्लाह कहना चाहता है इंशाअल्लाह कहे, जो जय श्री राम कहना चाहता है जय श्री राम कहे, जिसको गुरुद्वारा जाना है गुरुद्वारा जाए, जिसको चर्च जाना है चर्च जाए, जिसको जिसकी इबादत जिसकी पूजा जिसकी उपासना करना है वो करे। हम किसी धर्म के खिलाफ या किसी धर्म के लिए नहीं, हम यहाँ संविधान के लिए खड़े हुए हैं। बात इसके साथ साथ एक बात और मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। अभी पिछले दिनों कार्तिक मास बीता है, हम लोग उसको कार्तिक कहते हैं, बहुत शुद्ध बोलने की कोशिश करते हैं तो, और थोड़ा ठेठ हिंदी में बोलते हैं तो कार्तिक बोलते हैं। तो कार्तिक मास में हर मंदिर में रामचरित मानस का पाठ किया जाता है। रामचरित मानस को तुलसीदास जी ने लिखा है, आरएसएस तुलसीदास जी को मानती है, उनको बहुत बड़ा कवि मानती है। तुलसीदास कहते हैं कि ढोल पशु गवार शूद्र और नारी, ये है चारों के अधिकारी। मैं तुलसीदास की इस बात से सहमत नहीं हूँ और खुला कहता हूँ कि मौत इस बात में मैं तुलसीदास जी का विरोध करता हूँ, लेकिन मैं आरएसएस से पूछना चाहता हूँ कि उसी तुलसीदास लिखते हैं रावण रथी विरथी रघु बीरा, मतलब रावण रथ पे है और भगवान श्री राम जो है वो बिना रथ के हैं। अब मैं यहाँ से यदि गोबर पात्रा को पूछूं, आप आडवाणी जी के रथ यात्रा का समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं, तो सीना ठोक के कहेंगे ओएनजीसी का डायरेक्टर बने हैं मंत्री पद मिल जाए, कहेंगे कि करते हैं। तो मैं तुलसीदास का वह लाइन याद दिला करके उनसे पूछूंगा, रावण रथी की रथ जाए पूजा, रथ पर जब रावण खड़ा है तो मुझे बताइए कि भाजपा को रावण राज चाहिए कि राम राज चाहिए, यह बात आप तय कर लें। भाजपा को राम राज नहीं चाहिए, और इसीलिए इस मंच में यह स्पष्टता है कि न किसी धर्म के पक्ष में है न किसी धर्म के खिलाफ है, संविधान खतरे में है, इसीलिए इंसान और संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बार बार आप पेंट करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग हिंदुओं के खिलाफ हैं, हम लोग जो है इस देश के अंदर जो संस्कृति चली आ रही है भारतीय संस्कृति, हम उसके खिलाफ हैं। नहीं भाई, हम उसके खिलाफ नहीं, हम बस एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि यदि लड़ाई अल्लाह और राम के बीच में होगी तो जीत नाथुराम की होगी, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। इसीलिए चाहे आप पुराण उठा करके पढ़ लीजिए, चाहे आप गीता उठा करके पढ़ लीजिए, आप बाइबल उठा करके पढ़ लीजिए, आप गुरबानी उठा करके पढ़ लीजिए, गुरु ग्रंथ साहब कुछ भी लिखा हुआ है इस देश के अंदर धर्म के नाम पे उसको पढ़ लीजिए, उसमें ये कहा जाता है कि भगवान बड़े होते हैं, इंसान जो है उसके अंदर भगवान का रूप होता है। जब इंसान के अंदर भगवान का रूप होता है तो मैं समझता हूँ कि अपराधी के अंदर भी भगवान है, और जो अपराधी की हत्या कर रहे हैं वो भगवान के निर्मम हत्या कर रहे हैं। इस बात को समझना, कलकत्ता में जब भगवान बसते हैं तब आप मंदिर और मस्जिद क्यों करते हैं? मैं कहता हूँ कि जब भगवान ने इंसान को बनाया है तो आप इंसान होकर के धर्म को भी बचाना चाहते हैं, आप समाज बचा लीजिए, आप देश बचा लीजिए, आप मानवता इंसानियत बचा लीजिए, ये आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। अफसोस होता है, अफसोस इस बात का होता है कि आज हमारे देश में शोर हो रही है, और मुझे बिल्कुल कुछ नहीं कहना है, न आर को कहना है न जेड को कहना है, इसलिए नहीं कहना है कि मीडिया की विश्वसनीयता का भंग होना ये लोकतंत्र के लिए, वो तो अपना धंधा कर रहे हैं, उनको तो जिसकी चापलूसी और
त्यागपालिका करना है वो कर रहे हैं, लेकिन आप यदि इस मुल्क से प्रेम करते हैं तो आपको ये बात तय करनी होगी कि आपको मीडिया की विश्वसनीयता भी बहाल करनी होगी, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। और मैं यहाँ से इस मंच से उन तमाम युवा मीडिया कर्मियों को ये आग्रह प्रस्तुत करता हूँ कि जब आप अपने मैनेजमेंट से लड़िएगा ना, जब आपका मजिठिया आयोग का सिफारिश नहीं लागू किया जाएगा ना, जब छठवीं करके आपकी नौकरी निकाली जाएगी ना, उसी नंबर पे फोन कीजिएगा जो नंबर सहरा जी है, इसी पार्लियामेंट सीट पे आपके लिए संघर्ष करेगा। और कहना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई किसी एक समुदाय के लिए नहीं है, हमारी एक लड़ाई किसी एक लिंग के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई समाज के अंदर जो ऊंच नीच है उसके खिलाफ समानता के लिए है। आपको लगता होगा इस देश के अंदर वो जो सामने बिल्डिंग बन रही है, वो मजदूर जिसका नाम आपको पता नहीं है, उसका इस देश में कोई योगदान नहीं है, आप बुलाते रहे, आप गलती में, अगर वो मजदूर बिल्डिंग नहीं बनाता तो उस बिल्डिंग में जो एसी कमरा होगा उस पर आप बैठ करके नेशन वंस टू नो नहीं कर पाएंगे। आप समझिए कि देश आज कहां जा रहा है। हेलो, एक आदमी है रिलायंस का मालिक है, आनंद का मालिक कहता है रिलायंस मेरी जान है, देश मेरी जान है, इस पर कोई प्राइम टाइम करेगा क्या? उसको कहेगा कि अनंत कंपनी बोलो भारत माता की जय, बोलो वंदे मातरम, बोलो हिंदुस्तान हमारी जान है, ये मत बोलो कि रिलायंस हमारी जान है। ये देश जो है कि नहीं, कहां पहुंचे हैं हम यहां पहुंचे हैं। यहां मुझे मोदी जी से संतुष्टि है कि जिग्नेश मेवानी मोदी जी का मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन जो लोग जिग्नेश मेवानी का मजाक उड़ा रहे हैं वो अनंत कंपनी का मजाक नहीं उड़ा सकते। जितने आर्टिकल लिखे गए उन तमाम आर्टिकलों को रातों रात इंटरनेट से गायब कर दिया। ये है कॉर्पोरेट की ताकत। मोदी जी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपसे नफरत नहीं है। जब आप कहते हैं कि मैं ओबीसी समुदाय से आता हूँ तो मुझे संपत्ति होती है, जब आप कहते हैं कि मैं चाय बेचने वाले का बेटा हूँ तो मुझे संपत्ति होती है, जब आप कहते हैं कि मेरी माँ लोगों के घरों में जाकर के काम करती थी तो मुझे संपत्ति होती है, मुझे उन तमाम लोगों से संपत्ति होती है जो सुबह उठ करके हाफ पैंट पहन करके साल भर गंगा घुमाता है और मंत्री बनने की जब बारी आती है तो 5 करोड़ रुपया के चक्कर मंत्री का भी बेच देता है। मुझे संपत्ति होती है। भाजपा के उन कार्यकर्ताओं से दिन रात पोस्टर लगाते हैं और रातों रात जो है दूसरे पार्टी से आदमी को लगा के मंत्री बना दिया जाता है। अरे भाजपा पार्टी नहीं है, नए प्रांत का वाशिंग मशीन है। लालू जी चारा खा गए होंगे। हम इस बात का जांच नहीं करना चाहते, लेकिन हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं सरकार से, यदि लालू जी आपको समर्थन कर देते तब वो चारा चोर होते कि सदाचारी होते? मुझे सवाल इसका जवाब है आपके पास। सुखराम का बेटा आपकी पार्टी में, उधर जो वो सारा स्कैम किया था, क्या नाम था उनका, विपुल राय आपकी पार्टी में, जो 282 एमपी है इनका, लिखिएगा भाई साहब अगर आपकी हिम्मत होगा, नहीं होगा क्या हमारे साथ आ जाइए। 109 एमपी ऐसा है जिसके ऊपर बलात्कार हत्या जैसे संगीन मामले चल रहे हैं। इसी बगल में है लोकसभा में पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि लोकसभा में पहुंचने के लिए जिस लोकतंत्र ने हमको ताकत दी थी उस लोकतंत्र को ही कमजोर किया जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मोदी जी, जब आपके पीठ पे रिलायंस का हाथ होगा तब लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, कॉर्पोरेट मजबूत होगा। इस बात का अभिमान तब इस देश में लोग आपका मजाक उड़ा सकता है, लेकिन अनंत कंपनी का मजाक नहीं उड़ा सकता। और कितना प्रेम का भाई नेताजी जोर जोर से ताली बजाए, मतलब आपकी माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है तो वो प्रेम है, और राधिका बेमुला यदि रोहित बेमुला से प्रेम करती है तो प्रेम नहीं हो जाती बात। नजीब की माँ अगर कहती है कि मेरे बेटे को ढूंढ करके ला दो तो आप कहते हैं कि आप सरकार के बिना वजह सवाल खड़ा करते हैं। जब चंद्रशेखर के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं तो आप कहते हैं कि हम राजनीति चमकाते हैं।
और हमारा राजनीतिक ब्लॉक करने के लिए देखिए वो महिला पत्रकार खाली कुर्सी के पास जाकर खड़ी हो गई। मैडम जी सुन लीजिए थोड़ा सा ध्यान से, हम है किसान का बेटा और यहाँ बैठा है किसान का नेता आखिर को कोई हमारे पास भीड़ नहीं है। मैं कह देता हूँ हमारे पास भीड़ नहीं है, भीड़ जो है उनकी रैलियों में होता है, हमारी रैलियों में जिंदा इंसान आए हैं इस बात का। जब मैं किसान का बेटा हूँ तो मुझे किसानी आती है और किसान के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, कभी मौका मिले तो प्राइम मिनिस्टर पर चला लीजिएगा कि किसान जब बीज लेकर के खेतों में जाता है तो झोली में बीज लेकर के जाता है, मुट्ठी में बीज लेकर के जाता है और वही बीज जब खेतों में बोई जाती है तो फसल लहलाती है। आपसे वादा करते हैं हमारी राजनीति इस देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है जो शोषित है। सही कहा है बीमार साथी ने कि हमारी जात शोषितों की जात है और इस देश के अंदर जितने भी दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज को उठाना ये हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। आपके टैक्स के पैसे से पढ़े हैं, आपका सवाल यदि नहीं उठाएंगे तो ये सबसे बड़ी बेईमानी और सबसे बड़ा देशद्रोह है। ये सवाल हम इसीलिए आपके सवाल को उठाने का जो हमने बीड़ा उठाया है इसमें हम सिर्फ एक बात कह देना चाहते हैं, ना केहू से दोस्ती ना केहू से तगड़ा खराब बाजार में सबके मालिक है, ना केहू से दोस्ती ना केहू से पैर। इस देश के अंदर सामाजिक अन्याय के खिलाफ सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई छिड़ी है और इस लड़ाई में जो खाली कुर्सियां है वो भीड़ के लिए नहीं है, वो इंसानों के लिए है। इंसानों से इसी पार्लियामेंट सीट के एक एक इंच को ना फट दिया तो ये हमारा आपसे वादा है। मैं आपसे कह रहा हूं